तो पहले ये क्या था? और अब ये क्या है? अब एक बात ध्यान से आप सुनिए, अगर आपने ध्यान दे रहे हैं तो, क्योंकि मैंने रिवर्ब पहले लगाया है उसके बाद में पैरामेट्रिक इक्यूट लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, रिवर्ब की जो लो फ्रिक्वेंसी है रिवर्ब की, ठीक है, वो भी डाउन हो रही है। आप ध्यान से सुनिए, है ना, आपने ध्यान से सुना होगा। तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो तब रिवर्ब की जो लो फ्रिक्वेंसी है वो कट नहीं होगी, ओके। तो इसलिए बहुत मैटर करता है जब आप प्रोडक्शन में जो इफेक्ट चेन लगा रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या पहले लगा रहे हैं क्या बाद में लगा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नमस्ते, मैं हूं नूबड़ा प्रोड्यूसर। 7 दिन से मेरा पीसी बंद था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पीसी के अंदर, प्रोसेसर मुझे अपडेट कराना था, अपडेट करा लिया था। i7-3770S, पहले इसमें डुअल कोर था, पेंटियम का डुअल कोर प्रोसेसर, जो कि 2010 में मैंने लिया था। तो लगभग 2010 से 20 और 20 से 2023, 13 साल बाद प्रोसेसर अपडेट कराया। मदरबोर्ड पुराना था, टेक्निकल टर्म्स थे बहुत सारे, फाइनली अपडेट हो गया, लेकिन मुझे विंडोज सारी पूरी डालनी पड़ी, सारे सॉफ्टवेयर पूरे इंस्टॉल करने पड़े, सारे ड्राइवर सारे इंस्टॉल करने पड़े, बहुत लंबा था। उस वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया था। अभी भी सारे काफ़ी सारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हैं जो मुझे अभी इंस्टॉल करने बाकी हैं, तो कुछ कुछ डाल के मैंने सोचा आज वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, पुराना प्रोजेक्ट लिया है मैंने, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने गरबा बीट बनाई थी, और मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर का सुनाई दिया कि पहले हमारे क्या था बाद में और वो क्या था, तो वही हम फिर से एक बार सीखेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने बनाया था 2017 के अंदर, 2017 के अंदर, कम से कम 14-15 गाने थे एक सीडी के, और उसके लिए म्यूज़िक चाहिए था। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उस समय काम किया था, और वो मेरा पहला काम था, आप मान सकते हैं कि जहाँ पर ना तो मुझे मिक्सिंग करनी आती थी, ना मास्टरिंग करनी आती थी, कुछ भी करना नहीं आती थी। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बिना मिक्सिंग बिना मास्टरिंग का प्रोजेक्ट है पूरा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ बिना मिक्सिंग और मास्टरिंग के भी ये कैसा साउंड कर रहा था। और पुराना प्रोजेक्ट है, कुछ कुछ बीच में से एक दो चीज़ें गायब हो चुकी है इसमें से, लेकिन फिर भी आप सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो लेवलिंग है ये भी मैंने अभी की है, पहले लेवल्ड भी नहीं था ये बिल्कुल ऐसा था, ये बिल्कुल ऐसा था। फिर भी आप सुनिए एक बार, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा 2017 में जब पहली बार किसी बंदे ने एफएल स्टूडियो का हाथ लगाया है तो उसका काम कैसा है, आप सुनिए और बताइएगा। कुछ भी नहीं किया है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, ये ज़रूर है मैंने जो मेरा वोकल इफेक्ट है या वोकल चेन है उसमें मैंने देखे सिर्फ इफेक्ट लगाए हैं, और कोई मैंने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं करी, पता ही नहीं था क्या होता है, क्या मिक्सिंग होती है, क्या मास्टरिंग होता है, कुछ भी मेरे को पता ही नहीं था। और यहाँ पर आप देख लीजिए, सिर्फ एक वोकल का प्रीसेट जो है, वोकल प्रेजेंस, वो मैंने मेरी वोकल पर लगाया है, फ्रूटी रिवर्ब हल्का सा, कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने हिसाब से चलने दो भैया, पिक्चर ऑफ पड़ा हुआ है, पता नहीं पिक्चर काम कैसे करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम नया नया काम करते हैं तब कैसा होता है। स्टीरियो राइस 3 जो है मैंने वो यूज़ किया हुआ यहाँ पर, डिले जो है सिंपल सा डिले जो है
लिमिटर का पता ही नहीं क्या है, सीलिंग लगा रखी है, कंप्रेसर कुछ किया हुआ नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पर नील बटा सन्नाटा 2017 के अंदर मैंने किया था, लेकिन ऑलमोस्ट आप भी कह सकते हैं मेरी किस्मत अच्छी है कि जो ट्रैक्स हैं काफ़ी अच्छे साउंड किए थे उस समय में, और भी मेरे पास ट्रैक्स पड़े मैं सुना दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो सुना दूंगा मैं आपको। उसमें भी मैंने काफ़ी सारे इंडियन बीट्स के ऊपर मैंने पैटर्न बनाए थे, तो उसी में से एक गरबा बीट है, मैंने सोचा आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। सप्ताह भर हो गया कोई वीडियो नहीं डाला, दिमाग में पूरा समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ, तो यहीं से शुरुआत करने की मैंने सोची है। तो चलिए हमारे पैटर्न है, ये जो सारे सैंपल पैक है ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके एफएल स्टूडियो में डले हुए आते हैं, सिर्फ चार पैक्स हैं, चार सैंपल हैं जो मैंने बाहर से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? वो मैंने लिए हैं हमारे ऐसे क्रिएशन एंड आइडिया पैक से, ये आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पूरा देखना, वीडियो में ही पासवर्ड है, पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, वीडियो में है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए किक ले लेते हैं, पहला वही पैरामेट्रिक क्यू टू लेंगे हम, क्लीनिंग करेंगे स्टीव एट, और यहां से हाई पास, यहां से लो पास, और मैं ज्यादातर क्या स्टीव एट का ही यूज करता हूं, ठीक है 18,000 के आसपास में लगा लेता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे मुझे इस किक के अंदर मुझे हाई फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने उसको रखी है। यहाँ मैंने मिड और हाई मिड थोड़ी सी कम कर ली है। अभी हम सिर्फ परक्यूशंस को मिक्सिंग एंड मास्टरिंग कर रहे हैं, हो सकता है जब हम वोकल को मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत हमको चेंज करना पड़ सकता है ताकि फेज इशू ना हो, क्लैश ना हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर एक डिप लगा रहा हूँ मिड और हाई मिड के बीच में, वोकल हमारी प्रेजेंस है, हाई मिड और मिड है इसके बीच में रहती है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम कर लेंगे। चलिए आप देख सकते हैं हाई हेट की कहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। देखो मिक्सिंग का तरीका बिल्कुल सिंपल है, खासकर रिदम की मिक्सिंग का आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपने लिया है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है, ठीक है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ है। ये एक ओपन हेड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो भी वही है जो हमारे हाई हेड की होती है, ओके। चार नंबर पे हमारे टॉम्स हैं, इसको मैंने पैन किया हुआ है शायद, नहीं तो फिर ये साउंड में ये थोड़ा लेफ्ट में क्यों बज रहा है। इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो मिक्सिंग के टाइम हम देखेंगे। हमारी स्नेयर है,
तो ये सेंटर में है। मैंने यहाँ पर एक फ्रूटी स्टीरियो शेपर का यूज़ किया है, स्टीरियोज जो है स्टीरियोइज 3 है वो मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा स्टीरियो शेपर के साथ खेला है। ये घट्टम है, घट्टम घट्टम यानी मटका। तो ये हमारे जो है वुड, FPC वुड हिट है। मैंने लगा रखा है, एक को लेफ्ट पिन किया, एक राइट पिन किया है। ठीक है, उसके अलावा मैंने पिच एक को डाउन किया हुआ है। ठीक है, एक एक रेंज में, वन रेंज के अंदर एक एक स्केल और दो स्केल, ताकि वो अलग अलग साउंड क्रिएट हो। टुगेदर वो ऐसा साउंड कर रहा है। तो उसमें रिवर्ब डाला हुआ है मैंने, सिंपल रिवर्ब है। वही प्रोसेस, एक लो कट, एक हाई कट। अब एक बात ध्यान से आप सुनिए, अगर आपने ध्यान दे रहे हैं तो, क्योंकि मैंने रिवर्ब पहले लगाया है उसके बाद में पैरामेट्रिक इक्यूटी लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, रिवर्ब की जो लो फ्रिक्वेंसी है रिवर्ब की, ठीक है, वो भी डाउन हो रही है। आप ध्यान से सुनिए, है ना, आपने ध्यान से सुना होगा। तो अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो तब रिवर्ब की जो लो फ्रिक्वेंसी है वो कट नहीं होगी, ठीक
ओके तो इसलिए बहुत मैटर करता है जब आप प्रोडक्शन में जो इफेक्ट चेन लगा रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या पहले लगा रहे हैं क्या बाद में लगा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। चलिए एक बार हम सुनते हैं। तो अभी हमारी हाई हैट और जो हमारी ओपन हैट है वो सुनाई नहीं दे रही है ध्यान से, ओपन हैट क्लियर नहीं है। हम इसको क्या थोड़ा सा पैन कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे मैंने किक को मोनो किया हुआ है पूरी तरीके से, इसी तरह स्नेयर को भी मैंने मोनो किया हुआ है। तो एक छोटे से मिक्सिंग हमने करी है, ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ पैरामेट्रिक इक्यू टू का अभी तक यूज़ करा है, उसके अलावा हमने कोई और प्रोसेसिंग नहीं करी है। फिर भी हमारा काफ़ी हद तक साउंड है जो है वो क्लीन है। और वो क्लीन होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारे पैक्स हैं ना, जो हमने सैंपल यूज़ किए हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया मास्टर किए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया क्लीन साउंड उनका है, सिर्फ इसी वजह से। ये सब बहुत बढ़िया साउंड इनका है, तो इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो एक म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप है, बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन करने वाले हैं या जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है वो यही बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर आपने पहले ही ऐसे सैंपल्स यूज़ करे हैं जिसके अंदर सैंपल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन है, तो आपको मिक्सिंग और मास्टरिंग में ज़्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं है। तो एक बार फिर हम सुनते हैं बिना इफेक्ट के पहले ये कैसे था। ठीक है, पहले भी काफ़ी क्लीन था और अब हम सुनते हैं अब कैसा है। पहले से ज़्यादा वाइड हुआ है, क्लीन हुआ है, साथ ही साथ में घट्टम की आवाज़ थोड़ी सी क्लीन हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमको जब वोकल मिक्स करेंगे तो वोकल के लिए भी हमको जगह बनानी पड़नी थी, लेकिन मैं नया था, मुझको पता नहीं था ए बी सी डी क्या है, फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश करी थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, सिंपल सी अभी हमने मिक्सिंग करी है, सिंपल सी, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये बीट कैसे बनानी है उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, हाउ टू मेक गरबा बीट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हैं। सेम टू सेम पैटर्न मैंने बनाना सिखाया है सेम ही सैंपल पैक्स के साथ में। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से, कुछ भी क्वारी से, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है।